हाँ, जैसा कि आपने देखा, हमने आज ये तिरंगा रैली हमने निकाली थी, डीपीएस से स्टार्ट हुई थी और ये हिंदवाड़ा के मुख्तलिफ मकाम से गुजरते हुए, मार्केट से गुजरते हुए, आपके छोटीपुरा जो नाका है वहाँ से टर्न होकर फिर ये वापस यहाँ पे कल्मिनेट हुई हमारी यहाँ पे। इसका जो मकसद है वो एक वाज़ह पैगाम है, जो घर घर हर घर तिरंगा का जो एक पैगाम है हमारा, लोगों के तई इंटीग्रिटी और देश के तई जो पेट्रियाटिज़म और देश के तहत जो मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसको उजागर करने की एक ज़रूरत है और वही एक पैगाम है सभी लोगों को, उसी के लिए एक पैगाम था ये, ताकि हर घर में ये झंडे का जो एक मकसद है और झंडे की जो इंटीग्रिटी है, झंडे के लिए तई जो एक प्यार है वो सब लोगों के दिलों में ये उजागर हो, उसी के चलते हुए हमने भी एक रैली निकाली है, पुलिस ने भी रैली निकाली थी जिसमें सभी ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया और सबको एक पैगाम दिया कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, देश है तो सब हैं और झंडे की जो शान है वो हमेशा बुलंद है। आपको लग रहा है? हाँ, ये तो आप सब देख रहे हैं, जैसे लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने रास्ते में देखा लोग खड़े थे, लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जो हमारी तिरंगा रैली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो सिविलियन लोग थे वो भी साथ साथ चले हमारे बहुत सारी जगहों पर, इससे उससे ये जाहिर हो रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं लोगों के तई जो जज्बा है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, जो देश प्रेम का जो जज्बा है वो सामने आ रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश की डेवलपमेंट में, देश की उन्नति के लिए, देश की जो डेवलपमेंट के लिए और यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये तो सामने आ गया है, आप देख रहे हैं तिरंगा रैली सबसे बड़ी। Fuck.